एवरीवन, आज इस वीडियो में हम आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में जानेंगे आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इफ द लेग्स और द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ द ट्रॉपेजियम आर ऑफ इक्वल लेंथ। लेग्स किसे कहते हैं? जब एक ट्रॉपेजियम बनाते हैं तो जो जो उसका नॉन पैरेलल साइड है, जो कहीं पे जाके एक दूसरे से मिल जाएगा, वो दोनों साइड्स अगर इक्वल लेंथ के हो तो वैसे ट्रॉपेजियम को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हमारा पैरेलल साइड कौन सा है? डीसी और एबी। तो ये तो पैरेलल साइड को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और नॉन पैरेलल साइड को क्या कहते हैं? लेग्स कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा नॉन पैरेलल साइड क्या है? एडी और बीसी। तो कह रहा है इफ द लेग्स, या तो आप लेग्स बोलो या फिर नॉन पैरेलल साइड, ऐसा दो साइड्स जो कहीं पे जाके मिल जाते हैं, वो दोनों साइड अगर इक्वल लेंथ के हो तो ऐसे ट्रॉपेजियम को हम आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम कहते हैं। सपोज अगर ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी हमारा कितना सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का। तो इस तरीके से हमने जाना आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम एक ऐसा ट्रॉपेजियम होता है जिसमें जो नॉन पैरेलल साइड होता है, जो वैसा साइड जो कहीं पे जाके मिल जाता है, अगर वो साइड्स क्या है? इक्वल लेंथ के हो तो वैसे ट्रॉपेजियम को हम आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम कहते हैं। आई होप आपको आइसोसेलीस ट्रॉपेजियम समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।